भाजपा के नेताओं का काम है अजब गजब के बयान देने, जिसके ना सिर होता है ना पैर। और ऐसे ही एक बयान तो आया था रवि किशन के द्वारा। रवि किशन ने कहा था कि उनके जो चार बच्चे हैं वो कांग्रेस की सरकार के कारण हुए। अभी तो पता चला है कि एक पांचवी बेटी भी है, उसके बारे में एक अलग वीडियो पे बताऊंगी। लेकिन अब इनके जो ये सांसद हैं निरहुआ, ये कौन सा हुआ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कौन सी हवा बहाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गजब की बातें करते हैं। पहले सुन लीजिए इनकी बात। मोदी जी ने तो रोक दिया, एक भी बच्चा है मोदी जी का बताओ, कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे, तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है, अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, दो ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और आठ गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो, क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि आठ बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? अब बताइए है कोई सेंस? मतलब आप ये बताएंगे कि आप अगर बेरोजगारी से बचना चाहते हैं तो बच्चे मत पैदा करो, क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बच्चे नहीं पैदा करे, पत्नी छोड़ आए चाहे, और योगी जी ने शादी नहीं करी। भाई वो तो योगी बन गए थे ना, ये बात अलग है कि आप उनको राजशाही में ले आए, क्योंकि अब तो लोकशाही वो चला नहीं रहे, वो तो बुलडोजर कानून चलाते, बस उनकी उनकी चलती है। लेकिन अगर निरहुआ जी आप ऐसी फालतू की बातें करते हैं तो ये भी बताना चाहिए कि जो आपके आरएसएस के नेता बोलते हैं, तमाम बयान आ जाते हैं कभी किसी का कभी किसी का, कि बहुत सारे बच्चे पैदा करो हैं ताकि जो हिंदुओं की पॉपुलेशन है वो बढ़ जाए। आपने उनसे परमिशन ली थी? मोदी जी से परमिशन ली थी उनका नाम लेके कहने के लिए कि बच्चे मत पैदा करो और अगर बेरोजगारी से बचना है तो मुझे एक चीज़ बताइए कि प्रधानमंत्री क्या ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहाँ पे कोई शादी ना करे, किसी के बच्चे ना हो? मतलब है कोई सेंस? गजब का आदमी है भाई, दिमाग विमाग का इलाज करा लो, हैं चले जाओ, बहुत सारी जगहें हैं, बरेली में भी है और लखनऊ में भी है, आगरा में तो है ही है, इलाज करवाओ। ज़्यादा देरी हो जाएगी ना तो गड़बड़ा जाओगे।